नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। अनुष्ठान हुआ और किस विषय पे हुआ? आज मेरी पांचवीं। आज कितने पुण्यतिथि है उनका? पांचवीं। तो क्या हर साल कंबल वितरण में होता है? चार साल से कोशिश कर रहे हैं और ये पांचवीं कोशिश करते हैं। देखा जा रहा है कि एक तरफ पुण्यतिथि मतलब धार्मिक अनुष्ठान है और एक कंबल वितरण मतलब सामाजिक अनुष्ठान है, तो आपने भाजपा का कार्यालय क्यों चुना? इसको अलग मंच पे भी कर सकते थे आप? नहीं, एक्चुअली ये वाला मंच हम लोग इसलिए चुना गया है हम लोग ने, कि ये जो मंच बनाया गया है, ये स्थान बनाया हमने ससुर की तरफ से बनाया गया है, तो हम लोग ने इससे अच्छा जगह हम लोग लेंगे। अच्छा, सबसे अच्छा। स्वर्गीय ससुर जी आपके भाजपा में थे? हाँ, वो को फाउंडर थे। जी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मैं प्रियंका चला। আমরা কোনোদিনও ভুলতে পারবো না। আমরা এইভাবেই সমস্ত কর্মীবৃন্দ বা পার্টির যে পরিবার, আমরা সে মিলন বন্ধনে আমরা আবদ্ধ থাকি। আমি এখন ওনার সমালোচনা করতে পারবো। আমরা बहुत ही पुराना कार्यकर्ता, आज से 30 साल पहले जब हम लोग पार्टी शुरू किया था समय से राधा श्याम जालान जी हमारा सहकर्मी भी थे और बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता था। उसी का देहांत हो गया साल 5 साल पहले, तो उसी का स्थिति को उद्देश्य तो आज हम पार्टी ऑफिस में हमारा सेंट्रल कार्यालय में हम लोग एक अनुष्ठान किया। उसी का पुत्र जो है सब कम्बल दे के गरीब आदमी को सहयोगिता कर रहा, शीत वस्त्र दे रहा। बहु पुरान दिन कथा जो इन भारतीय जनता पार्टी कोटी कोटी पाए जो भारतीय जनता पार्टी अनेक एक राजनैतिक दल चालावर कार्यालय दरकार पड़े, कोष दरकार पड़े, अन्न्य अनेक जिस दरकार पड़े, से উনি আমাদের একটা বিশাল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময়টা যদি যারা দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে সেই সময়টা ছিল সিপিএমের সময়। কোনো একজন ব্যবসায়ী খুলে এসে বিজেপিকে সাহায্য করছে সে অবস্থাটা কিন্তু ছিল না, কিন্তু উনি মানে আমাদের পেছনে বড় বড় দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের সঙ্গে সবসময় সহযোগিতা করেছে, আমাদের যতটুকু দরকার পড়েছে তখন আমাদের নিজেদেরই আমরা কোটি কোটি পায়ে পড়ছি, আমাদের নিজেদেরই অবস্থা খুবই খারাপ, তখন কিন্তু বলছেন তোমরা পড়ে যাও, যা হবে আমি আছি তোমাদের পেছনে, আমি আছি আমি পেছনে। अच्छा, राधे श्याम जलान जी आज उनका 5वां पुण्यतिथि है, या आप उनके रिश्ते में क्या हुआ? अच्छा, राधे श्याम जलान जी जिनका पुण्यतिथि के अवसर पर आप लोगों ने ये कंबल वितरण किया, कंबल वितरण करना चल बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लोगों की सेवा भी हो रही है, लोगों को जो इस ठंड के दौरान जरूरत भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस पुण्यतिथि के दौरान आपने जो कंबल वितरण किया वहाँ भाजपा का बैनर ही क्यों चुना? हमारे बड़े भाई साहब भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता, ये एक तरह से समझा जाए तो ये ऑफिस का स्थापना हो नहीं किया जी, किंतु 4 साल से भाजपा वाले हमें मंच नहीं दे रहे। हम लोगों ने 4 साल कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर साल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, वो ये भाजपा के इस कार्यालय के सदस्य थे, फाउंडर सदस्य जिसकी स्मृति में आज उनकी कृति उनके पुण्यतिथि में आज कमल वितरण प्रोग्राम आपने किया। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र जला। राजेंद्र, 7 साल मंडल के अध्यक्ष भी थे उल्टी विधानसभा। कितने कमल बांटे गए? 100 कमल। आज उनके याद में उनके स्मृति में जो कमल वितरण प्रोग्राम किए, इनके अलावा भी और क्या क्या काम आपने किया? और कोई काम नहीं। हेलो,
अयोध्या जी की पुण्यतिथि थी तो सोचा क्या करा जाए, तो गरीब बच्चे थे, ठंडा बहुत ज़्यादा था, इसलिए स्वेटर का प्रबंध करके बच्चों में वितरण किया गया और साथ में कुछ खाने पीने का सामान ताकि बच्चों का नया साल अच्छा से गुजरे, नया साल उनकी जिंदगी में सुख लेके आए, बस इसी उद्देश्य से हमने दिया है। कितने बच्चों को ये सामग्री? 60 से 65 बच्चों के लिए हमने दिया। आपका भाई का नाम क्या था? जीजा जी। अच्छा, जीजा जी का क्या नाम था? नाम बताना अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए हम कभी नाम नहीं बताते। आपका नाम मतलब समझ लीजिए जो भी है इन्हीं के बदौलत है, मतलब NNC क्लब के द्वारा ही आप लोग कर रहे थे। ले, उधर तो